विवेचना के कारण पड़े लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने ऑपरेशन न्याय अभियान शुरू किया है, जिसमें लंबित मामलों के विवेचक और वादकारी एक साथ बैठ करके मामलों का हल निकाल सकेंगे, जिससे वादकारियों को समय से न्याय मिल सकेगा। जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने ऑपरेशन न्याय अभियान के तहत मुकदमावादी की संतुष्टि हेतु मुकदमावादी व विवेचकों के साथ बैठक की। मुकदमे के निस्तारण में आ रही समस्याओं से अवगत होकर शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए बेसिकली ऑपरेशन न्याय जो जनपद गोरखपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, बेसिक मकसद ये है, कई बार जो थाने में लंबे समय से विवेचनाएं पेंडिंग होती है वो वादी कभी उच्च अधिकारियों से सुपरविजर अफसर से कई बार मिलने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में विवेचक और वादी के बीच का जो समस्याएं हैं और विवेचना निस्तारण को लेकर जो समस्याएं हैं ये सीनियर अफसर तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हम लोग ऐसे एक अभियान शुरू किए हैं जिसमें अभियान न्याय के तहत कि जो लंबे समय से पेंडिंग विवेचनाओं के वादी और विवेचना अधिकारी को थाने बुला के थाने में ही बैठ के आमने सामने करा के विवेचना निस्तारण करने की प्रयास किया जा रहा है, चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे 420 का भी मुकदमा, चाहे लड़की बरामद करने को लेकर विवेचनाएं पेंडिंग हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, तो उसको सीधे सीधे संज्ञान लिया जा रहा है और विवेचक को गाइड किया जा रहा है और वादी से सीधा वार्ता करने से कई सारे चीज़ें हम लोगों को पता चल पा रहा है, तो ये लगातार हम लोग जारी रखेंगे जब तक जो पुराने विवेचनाएं डिस्पोजल हो जाए।